हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी, मिशन सक्सेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपको इलाहाबाद NCR की जो रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है GDC, उसके सारे पेपर जैसे जैसे मुझे मिलते चले जा रहे हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो आंसर की है, ये 5 अगस्त के Shift 1 के पेपर की आंसर की है, जो असिस्टेंट लोको पायलट का है। और इसका मैंने, जब मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था, तो उस टाइम एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए थे, और इसके अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अब आप लोग इसे सारे को देख सकते हैं, जिन्होंने देखा है वो लोग जानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और बाकी इसमें मैं सारे के सारे जो हल करने लायक क्वेश्चन है उनका हल भी बताऊँगा। कल मैं मैकेनिकल JEE वाला जो पेपर था वो भी डाल चुका हूँ, और आज ये ALP वाला डाल रहा हूँ। इसी तरीके से जिस जिसके मुझे प्राप्त होते चले जाएंगे, मैं उसको डालता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वे लोग इन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी भाई इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, पूर्वास, ये जो है ये वैदिक सभ्यता के साहित्य का उदाहरण नहीं है, पूर्वास। बाकी देखिए, ये अपने पुराण है, वेदांग है, वेद हैं, ये सारे के सारे ही इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना तो उदयन ने की थी। भाई पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। नेक्स्ट ये दिया हुआ है बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? एक मिनट ना भाई। एक मिनट रुकना चाह रहा हूँ। 314 कुछ स्लाइड आगे पीछे हो गए हैं, एक मिनट का टाइम दीजिए जरा। ये देखिए, तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ये चन्ना था भाई। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो ये 1913 में अमेरिका में हुई थी, ठीक है, अमेरिका के अंदर 1913 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ सबसे कम होता है? तो ये बाह्यमंडल के अंदर भी सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है बाह्यमंडल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये है पालक्कड़ या पालघाट निम्नलिखित में से किस रेलवे का मंडल है? तो ये साउदर्न रेलवे का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है भाई, ठीक है, नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अदिश है? तो कौन सी अदिश और सदिश है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, जब सबसे पहले दिया था कि इसमें अदिश सदिश के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो अदिश पूछा है, तो देखिए भाई, विद्युत का क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण और वेग, ये सारी की सारी सदिश होती हैं, जबकि जो शक्ति है वो अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। नेक्स्ट, मानवों में खाद्य पदार्थ के पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो ये खाद्य पदार्थ के पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत के अंदर सबसे ज़्यादा होती है भाई। नेक्स्ट देखिए, ये है फिलामेंट प्रकार का जो लाइट का बल्ब है, उसमें विद्युत शक्ति किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों के रूप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज वायर किससे बना हुआ होता है? तो भाई फ्यूज जो तार है वो दो मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो शीशे की और टिन की, शीशे और टिन की एलॉय से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखें, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त की गई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये जल से आती है भाई, जो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, पिंड का वेग दुगना होने पर, तो देखो क्या होगा भाई, पिंड का जब वेग दुगना होगा तो इसके जो ऑप्शन है हम कि संवेग दुगना हो जाता है, तो आप जानते हो कि भाई संवेग क्या होता है, P = mv।
तो अगर हम इसका वी दुगना कर देंगे तो ये 2 MB हो जाएगा, इसलिए संवेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानती हैं, तो भाई जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। नेक्स्ट देखिए, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को तो क्या बोलते हैं, सर्पीलियम, ठीक है, सर्पिल आकार का सर्पीलियम। नेक्स्ट देखिए, यह बर्ड फ्लू के वायरस को किस नाम से जाना जाता है, तो ये H5N1, ठीक है, H5N1 इस नाम से बर्ड फ्लू को जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का नहीं है, तो ये इरिडियम नहीं है, देखो, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम ये है। अच्छा, इसमें देखो आप लोगों को हो सकता है ये जो थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि PDF ही ऐसी है, इसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और इसमें नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आते हैं पार्ट 4 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान की डाइट है भाई, ठीक है, जापान की संसद डाइट है। नेक्स्ट, इसरो कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए, तो ये जो किया जाता है, तो ये एन एल्गोरिथम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकारों को हटा दिया गया, तो ये संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये संपत्ति का अधिकार था। उसके बाद MIPS की फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, विद्यमान या हाइपोथेटिकल सिस्टम की रिकॉर्डिंग और उसके विश्लेषण के लिए किस कंप्यूटर आधारित विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये डेटा फ्लो, ठीक है, डेटा फ्लो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है, तो क्वाड का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, भाई चाइना नहीं है, ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सारे हैं, चाइना नहीं है इसका सदस्य। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन की 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये आ जाएगा आयुष्मान खुराना को, ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, आयुष्मान खुराना को। और ये है, किस निजी बैंक ने ई किसान मित्र, तो ये HDFC बैंक ने शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, COVID-19 के लिए जर्मन कंपनी BioNTech और US फार्मा दिग्गज फाइजर ने मिलकर कौन सी वैक्सीन विकसित की है, तो ये वैक्सीन है भाई BNT162, ठीक है, BNT162 है, जो किस किस ने डेवलप की है, जर्मन कंपनी BioNTech और दूसरा US फार्मा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई से ज़्यादा शक्तिशाली है, वाई जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, पी क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वाई से कमज़ोर है, क्यू जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें से सबसे कमज़ोर कौन है, ठीक है, ये बात पूछी है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, आप सबसे कम एलिमिनेट कर लो कि अब किसी से भी शक्तिशाली है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, जैसे एक्स वाई से ज़्यादा शक्तिशाली है तो ऑप्शन ये कट गया, एक्स नहीं होता, ठीक है, वाई जेड से, तो वाई जेड से शक्तिशाली है तो वाई भी नहीं होगा। उसके बाद पी क्यू से शक्तिशाली है तो पी क्यू से शक्तिशाली है, ये भी कट गया, लेकिन वाई से कमज़ोर है, तो जब वाई से कमज़ोर है तो वाई इसका मतलब किसी से ज़्यादा है। उसके बाद क्यू जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है भाई, क्यू जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, अब पी और जेड बचा, तो जब जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है और क्या बोला है यहाँ, पी क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है लेकिन वाई से कमज़ोर है, तो भाई पी जब क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है तो पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन जेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है अपना, ये है कि संख्या, ये पूरी संख्या एक दे रखी है, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 3 को आरोही क्रम में रखने पर नए क्रम में दाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से तीसरे, तो नया जब आरोही क्रम में रखेंगे तो आरोही का मतलब है वही छोटे से बड़े की तरफ, तो क्या रखा जाएगा, देखो इसे मैं आरोही क्रम इसका बना रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 हो गए,
3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 हो गए भैया, आरोही क्रम इसका लगा। अब इसने ये बोला है कि इसमें नए क्रम में दाएं से चौथे तीसरे का अंतर क्या है, तो दाएं से चौथा देखते हैं भाई। देखो दाएं से चौथा 1 2 3 4 ये 5 आ गया, और बाएं से तीसरा तो ये 3 आ गया, 5 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही 2 है इसका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, किसी विशेष कोड में EAT को इतने के रूप में, चेयर को इतने के रूप में, तो टीचर को, तो देखो इन दोनों के कोडों में से ही हम जो है इनका देख देख के, जैसे T की वैल्यू क्या है, तो T की 8 है तो T की 8 होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से मिला लेंगे। फिर E के कितना है, 3 है, तो 8 3 से स्टार्टिंग होगी, इसी तरीके से ये मिला लेंगे, ठीक है, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ये दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट कूट में 253 का जो तात्पर्य है, बुक्स आर ओल्ड, 546 का है मैन इज ओल्ड, और 778 का है, ये कोड दे रखे हैं, तो इसमें आर का क्या मतलब है। अब एक चीज़ आप देखो कि आर जो होगा तो आर अपना केवल इस वाले में है, ठीक है, 253 वाले में आर है, तो इसका मतलब जो आर है वो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो अब देखो ये 4 कट गया, ये कट गया, 2 और 5 में से अब कोई सा एक होगा, तो अब 5 का हम कॉमन देखते हैं, 5 कहाँ कहाँ कॉमन है, तो देखो 5 जो कॉमन है वो बुक्स आर ओल्ड और मैन इज ओल्ड, इसका मतलब 5 कोड हो गया ओल्ड का, भाई दोनों जगह कॉमन है ना, तो इसका मतलब फिर 5 भी नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है कि अगर नारंगी सेब है, केले, ये क्या लिखा हुआ है, केले एपिकोट हैं, सेब मिर्ची हैं और एपिकोट बैगनी हैं, तो ये पूछा है इसने कि मिर्ची केले हैं तो निम्नलिखित में से किसका रंग हरा होगा। अब देखो हरा किसका रंग होगा भाई, हरा रंग होगा अपना, इसमें देख लेते हैं एक बार, नारंगी केले एपिक्रोट सेब मिर्ची, हाँ सेब मिर्ची एपिक्रोट मिर्ची केले, तो मिर्ची का रंग हरा होता है भाई, ठीक है, मिर्ची का रंग कैसा होता है, हरा, और हरा क्या है, केला, तो इसलिए केले आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है यदि प्लस का तात्पर्य माइनस, गुणा का तात्पर्य भाग, भाग का तात्पर्य प्लस, माइनस का गुणा, इतना, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप रख के इसे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण का मान सही होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन में भाई करते क्या है, सबसे पहला भाग का सिस्टम बढ़ाया करो कि भाग कहाँ सही बैठेगा, तो जैसे मैं बात करूँ कि प्लस और भाग, तो प्लस और भाग में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, हो सकता है क्योंकि प्लस आएगा तो यहाँ 5 आ सकता है, ठीक है, तो एक बार सबसे पहले ये भाग वाला सिस्टम ऐसा देखा करो, जैसे 20 प्लस 4 है, तो ये 20 भाग 4 करके ये पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब इस ऑप्शन के होने के चांसेस हैं, ठीक है, इसके होने के चांसेज हैं। उसके बाद फिर गुणा और भाग का देखो जरा कन्वर्ट करके, तो गुणा और भाग को करेंगे तो 5/15, तो यहाँ थोड़े से आने के चांस कम है, इसलिए इस ऑप्शन को सबसे पहले उठाकर चेक करेंगे, प्लस और भाग, और ये पहले वाले में ही सेटिस्फाई भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे प्रदत्त विकल्पों में 3 विकल्प किसी तरह के से एक जैसे हैं और चौथा अलग है, तो वो हमें बताना है जो अलग है, ठीक है भाई। तो देखो ये गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी मेघालय की प्रजातियां हैं, और कांगड़ा बचा, तो ये कांगड़ा जो है वो आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नीचे प्रदत्त ये भी वही है कि भाई इनमें से 3 समान है, एक अलग है, वो एक हमें बताना है। अब इसमें क्या दे रखा है कि समचतुर्भुज, वर्ग, स्पर्शिया और त्रिभुज, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर स्पर्शिया आएगी, स्पर्शिया एक सिंगल टेंजेंट होती है, टेंजेंट वृत्त के कोने पर से जुड़ाती है, बाकी ये सारे के सारे समचतुर्भुज, ये भी 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, त्रिभुज भी 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, ये भी 4 भुजाओं से, लेकिन ये जो है स्पर्श रेखा वो एक सिंगल है, तो इसलिए स्पर्श रेखा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पुष्प उसी तरह सुगंध से जुड़ा है जिस तरह ओवन, तो देखो भाई ओवन के अंदर क्या होता है, जैसे पुष्प से ऊष्मा निकलती है, ऐसी ओवन से जो है वो हीट निकलती है, ठीक है भाई, हीट, ऊष्मा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कि भाई जो ये ऑर्डर है 120 99 और 80 63 और 48, तो इसमें क्या आएगा, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर में से एक कम लिखा हुआ है, जैसे 111 का स्क्वायर 121 माइनस एक 120, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर माइनस एक और 9 का स्क्वायर माइनस एक, 8 का स्क्वायर माइनस एक, 7 का स्क्वायर माइनस एक, तो 6 का स्क्वायर माइनस एक, तो ये आ जाएगा 35 अपने पास, ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें है कि निम्नलिखित पैटर्न को, इसमें भी यही चीज़ पूछी है, तो अब इसे कैसे करेंगे भाई, तो 2 6 12 3 36, 6 3 और 36 1.5, अच्छा ठीक है, ये वाला तो नहीं लग रहा है, देखो इसमें क्या लगेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर,
और 2 क्यूब 8 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर है ना, तो 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 9 36, और 4 स्क्वायर प्लस 4 64, और 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये लग रहा है इसमें 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब आएगा, तो 6 क्यूब 216 और 6 स्क्वायर 236, ये 252 आ जाएगा, ठीक है, 36 252। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमसे अगला पूछा है क्या आएगा, तो देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 नंबर पे क्या आता है के, उसके बाद फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, के एस, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, के एस यू आना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन में के एस यू है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या पूछा है कि इसमें भी हमें पैटर्न का पूछा है, तो देखो एम एन ओ और एल आर आई वी, अच्छा ठीक है, देखो इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें एक मिनट मैं इस थोड़ा जूम कर देता हूँ पहले, देखो क्या है, जैसे एम है तो एम से ओ बनाएंगे, तो एम एन ओ कितना जोड़ा 2, उसके बाद उसे आर ओ पी क्यू आर, ठीक है, ओ पी क्यू आर, या 15 और 18 में कितने का फ़र्क है, 3 का फ़र्क है, फिर 18 और 22 में कितने का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है, इस तरीके से ऑर्डर बना। अब ऐसे ही एन और एल में, तो एन है अपना कितने 14 नंबर का, एल है 12 नंबर का, यहाँ -2 हो गया, उसके बाद फिर ये एल से ये 9 हुआ तो -3 हुआ, ठीक है, -2 -3, अब हम -4 करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, ठीक है, ये योग समझ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी सी से सी का क्या संबंध है। अब देखो इसे क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनाते हैं, जैसे ए और बी भाई हैं, तो ये हो गया ए और ये हो गया इसका भाई बी, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। नेक्स्ट बोला है सी डी बहनें, अभी सी डी का कनेक्शन नहीं पता इसलिए नहीं बनाएंगे, ए का बेटा डी का भाई है, तो देखो जो ए का बेटा है तो यहाँ का ही ए का बेटा रहा होगा ये, और ये किसका भाई है, डी का भाई है, उसने बोला है सी डी बहनें हैं, तो इसका मतलब डी भी बहन है, ठीक है, और सी इसकी बहन है, ये बोला है ना, तो सी इसकी बहन है, ये इसकी बहन हो गई सी। अब क्या बोला है इसने, बी का सी से, देखो जिससे पूछे ना उसे खुद मान लो, जैसे सी से, तो सी से स्टार्ट करते हैं, तो ये सी की बहन हुई, बहन का भाई हुआ, और इनका पिता इनका सबका पिता हुआ, तो सी के पिता का भाई चाचा हो गया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, क्या, चाचा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है, ये चीज़ बोली। तो देखो मैं इसे बनाता हूँ, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो ये एक वो व्यक्ति है, ठीक है, और इसका परिचय देते हुए वो महिला क्या कह रही है कि इसकी पत्नी, तो वही इसकी पत्नी, पत्नी बराबर में बैठाते हैं हम, ये हो गई इसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो जो इसके पिता की इकलौती बेटी है, खुद के लिए बोल रही है, भाई जो इसकी पत्नी है तो पिता की इकलौती बेटी, तो जब इकलौती बेटी है तो ये अकेली होगी, ठीक है, तो उस व्यक्ति का महिला से, तो व्यक्ति का महिला से पति का संबंध है, ठीक है, हस्बैंड का संबंध है, यही आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है, वह घड़ी की 45, देखो पश्चिम, तो पश्चिम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, ये यहाँ से ये पश्चिम इधर की साइड हो गया। अब उसने बोला कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 घूमता है, देखो 45 पहले इधर घूमा, फिर 180 इधर घूमा, तो यहाँ आ गया भाई, ये 45 हुआ और ये फिर 180 हो गया, इधर आ गया, और फिर घड़ी की दिशा में 270 घूमता है, तो 270 का मतलब क्या है कि 180 तो ये घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है भाई, इसी साइड में, देखो एक मिनट, ये इसी साइड में घूमेगा, इसी साइड में, तो 270, अब 270 का क्या मतलब है कि ये 180 तो ऐसे ही घूम गया भाई, ये 180 घूमगा तो ये इस डायरेक्शन में हो गया होगा, और फिर 90 और तो ये यहाँ होगा इस टाइम, और ये कौन सी डायरेक्शन है, तो भाई ये डायरेक्शन है अपनी उत्तर पूर्व, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 270 है भाई, सॉरी मैंने गलत बता दिया, उल्टी दिशा में है, ठीक है, तो 180 घूमगा तो यहीं आ जाएगा, और फिर 90 घूमगा यहाँ आएगा ये, ठीक है भाई, ये यहाँ था, यहाँ था ना, तो 180 इधर घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री घूमने के बाद यहाँ आएगा, तो ये अपनी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मैंने वो उधर ही घुमा दिया था। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक्स से आरंभ करता है और दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, देखो ये एक्स पॉइंट है
और ये इससे दक्षिण दिशा में 3 चलेगा, उसके बाद फिर वे बायां, तो देखो जो बायां होगा वो इसका इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड में ये चल के 6 किलोमीटर चलेगा। फिर वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो भाई देखो किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा अपना इस डायरेक्शन में, भाई आरंभिक बिंदु तो ये है, तो दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनका मैं से पूछा है भाई 595 और 252 का, तो जब भी महत्तम समापवर्तक पूछे तो हम बड़े से काटना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा 17 है, अब 17 से दोनों को काटना शुरू करेंगे, तो 17 से देखो काट के देखो, 17 से कटेगा नहीं, उसके बाद फिर 11 से दोनों को काटना शुरू करेंगे, तो 11 से भी इनमें से कोई सा ना कटने का, उसके बाद फिर 7 से ऑप्शन करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आसान सा है, मैं इसे क्या कराऊँ। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है एक, इसका मैं लिख देता हूँ, देखो सही क्वेश्चन क्या है, 6.5 × 4.7 प्लस 6.5 × 5.3 बटे 3.3 × 7.9 -1.3 × 6.9, ठीक है, ये है भाई, ये 1.3 है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ऊपर से 6.5 कॉमन निकाल देंगे, ये कॉमन निकाल देंगे, तो उसके बाद फिर ये 4.7 और 5.3 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 ये 10 आ जाएगा, है ना, तो 6.5 × 10 ऊपर कितना हो जाएगा, खाली 65। ऐसे नीचे का देखेंगे, जब 1.3 को बाहर निकाल देंगे तो 7.9 और ये है 6.9, तो 7 और 6 13 और 9, एक मिनट जरा रुक जाओ भाई, ये मुझे शायद 7.9 × 8, छः पॉइंट नौ, नहीं देखो इसमें ये अभी इसकी पीडीएफ पता नहीं कैसी है, इसमें समझ में आ नहीं रही है संख्याएं, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था खुद, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें से जब हम ये 1.3 को कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ें ऐसी बचेंगी जिनका योग भी 1 ही होगा, मतलब 10 होगा, तो ऊपर 65 आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, और ये जो है यहाँ से 13 × 5 5 बार और 5 50 आएगा कुल मिला के। ये नीचे की संख्या कुछ इसमें समझ में नहीं आ रही कि लास्ट में है क्या लिखा हुआ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा हुआ था कि ऊपर से 65 और नीचे से 13 निकालने के बाद जो 50 आएगा, ये 1 1 हो जाएंगी ब्रैकेट की चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पता नहीं क्या है, अब इसमें पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि पीडीएफ धुंधली है, जूम होने के बाद ये पीडीएफ ही फट जा रही है। चलो देखो, अब ये है, किसी विद्यार्थी को कोई संख्या 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने विभाजित करने के बजाय उसे 3 से गुणा कर दिया और उत्तर के रूप में 29.7 प्राप्त हुआ, तो उसे बताना है कि सही जवाब क्या था। तो देखो भाई, जब 3 से भाग करने के लिए बोला गया है और गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद जो आंसर आया वो 29.7 आया, तो जब ये गुणा करने के बाद आया है उस संख्या को, तो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या 3x है। अब देखो इससे ऐसे काटेंगे, 3 7 21, 3 9 27 और 3 9 27, तो ये एक्स जो है वो 9.9 है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, ये ओरिजिनल संख्या आ गई, इसे 3 से भाग करके उसे उत्तर बताना है, क्योंकि उसे 3 से विभाजित करने के लिए बोला गया था ना, तो ये 3.3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 28 के यहाँ एक्स लगा के और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई, ये चीज़ तो इधर आके प्लस हो जाएगी और यहाँ एक्स लगा लेंगे, ठीक है, 28 × x, तो 28 से पहले इसे भाग दे के जो भी चीज़ आएगी वो 28, चलो मैं बता देता हूँ, देखो 28 × 2 = 56 हो जाएगा, और यहाँ बचा 2 और 252, तो ये कटेगा अपना 252 हुआ ना 28 से, ठीक है, चलो इसे काट लेंगे जो भी आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ एक्स लगा के इसे कर देंगे सो। मैं यहाँ करा नहीं रहा हूँ क्योंकि बेकार में वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो भी मुझे ज़्यादा नहीं करनी, केवल 40 मिनट के आसपास तक की वीडियो करनी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, आप एक्स लगा के इसे कर लेना। नेक्स्ट है, यदि 1440 को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो एक भाग दूसरे भाग का 7/9 होता है, तो छोटा भाग क्या है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, देखो एक भाग दूसरे का 7 मतलब 1 7 हो गया, 1 9 हो गया, ठीक है, और 2 भागों में तो 16 9 7 16 16 बराबर ये दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 16 9 144, 0 1 का मतलब 90 है, तो छोटा भाग तो 7 है ना, 943 6 6 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है इस तरीके से, देखो रूट चार की पावर एन इक्वल टू 1024, ठीक है। अब देखो अब इसे क्या करेंगे, देखो चार की पावर एन है ये, तो ये यहाँ से मतलब रुकिए एक मिनट, देखो तो चार की पावर एन बराबर 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1024 में ये देखते हैं जरा दो की पावर कितनी है, ये तो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी 32 64 28 256 दुनी 512 1024, दो की पावर 10 को 1024 कहते हैं, ठीक है। तो चाहे इसे दो की पावर 10 बोल दो, दो की पावर 10, ठीक है। और ये जब चार की पावर n है तो ये यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। और ये चार की पावर n को कितना लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम दो की पावर 2n, ठीक है। और ये हो गई दो की पावर 20, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, देखो इसमें क्या है, 1120 बटे अंडर रूट पी इक्वल टू 80, तो अब इसे काट लेंगे इस तरीके से, तो आठिकन आठ चौक 32, रूट पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का स्क्वायर 196। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 की स्पीड से और बची हुई यात्रा 3 की स्पीड से चलता है, तो औसत गति, तो देखो भाई औसत गति क्या होती है, 2ab जब दूरी बराबर हो ना, जैसे इसने आधी दूरी उससे करी है और आधी उससे करी है, तो डायरेक्ट औसत दूरी का सूत्र होता है 2ab अपॉन a प्लस b, तो 2 गुणा 6 गुणा 3 बटे 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दुनी 6, 2 दुनी 4, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 8 लड़कों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए लड़के का वेट क्या है। देखो 65 किलोग्राम का लड़का गया है और उसके स्थान पर जब दूसरा आया तो 1.5 किलोग्राम सबका बढ़ गया, इसका मतलब एक बात तो ये क्लियर हुई कि 65 से ज़्यादा ही उसका वजन है। अब देखो क्या है, तो उसके पास कितना वजन है कि 65 तो ये वजन का लड़का गया है, अब जब नया आएगा तो वो ये 65 तो लेकर आया ही है, इसके साथ साथ उसने बाकी के 7 लड़कों को 1.5 किलो और दे दिया, है ना, 8 लड़कों को 1.5 और दे दिया, तो बताओ 8 लड़कों में 1.5 किलो कितना बढ़ गया, तो 8 और 4 12 और बढ़ गया, तो ये कितना लेकर आया, 77 लेकर आया। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 4/64 है, 4/5/64 दे रखा है, तो आधा भाग पूछा है, तो देखो 4 का मतलब कितना, 16 × 5 = 80, इसका मतलब पूरा भाग कितना है वो 80, तो आधा भाग कितना है उसका, 40 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, रवि और जय की वर्तमान आयु 2 है, यदि 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय से 6 वर्ष ज़्यादा थी तो जय की वर्तमान आयु क्या है। देखो भाई इसका एक तरीका तो वही है कि आप एक्स मान कर करें, और दूसरा तरीका यह है कि इसे तो ऑप्शन से कर सकते हो। तो यदि 3 और 2 हैं और उसने जय की वर्तमान आयु पूछी है, तो देखो जय की वर्तमान आयु 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सारी की सारी हैं, और 4 वर्ष पहले उसकी आयु 6, तो इसे ऐसा मान के देख लेंगे कि अगर हम मान लो 2 की, भाई एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, अगर इस 2 की वैल्यू हम 12 मान लें तो 1 की वैल्यू 6, इसका मतलब 3 की वैल्यू 18, ठीक है, 3 की वैल्यू 18, आपको हाई उम्र है तो 6-6 साल अगर पीछे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो दुगनी हुई ना हुई, तो 6 वर्ष ज़्यादा थी, तो इसने बोला है कि 6 वर्ष ज़्यादा थी, पहला ही ऑप्शन सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है 81/169 की पावर -1/2, तो देखो जब भी माइनस की पावर होती है इसे पलट देते हैं, 169/81 की पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अपने पास 13/9। नेक्स्ट देखिए, आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितना करना पड़ेगा, तो देखो नियम क्या होता है कि अगर लंबाई को भाई 60% की फ्रैक्शन कितनी है, 3/5, इसका मतलब अगर लंबाई 5 से 8 कर दी गई है तो चौड़ाई 8 से 5 करनी पड़ेगी जब हमें क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो कितनी कम करनी पड़ेगी, 3 किस पर 8 पर, 3/8, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैथ के क्वेश्चन काफ़ी आसान हैं, बढ़िया लग रहे हैं। नेक्स्ट देखो, टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, इसे 1040 में बेचकर कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, तो देखो 5% की हानि, इसका मतलब 95% की वैल्यू 950 है, तो अगर 95% की वैल्यू 950 है तो 1% की वैल्यू कितनी है, 10 है, 1% की वैल्यू 10 है, तो जब 1% की वैल्यू 10 है तो इसने ये पूछा है कि 1040 में बेचने पर कितना फ़ायदा होगा, तो देखो 1% की अगर 10 है तो 100% की कितनी है भाई, 100% की तो 1000 हो गई ना,
और 1040, तो 1000 रुपये पर 40 रुपये का फायदा कितना परसेंट हुआ? 4%। नेक्स्ट देखो, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ने पर उनका अनुपात 3:1 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में से 5 घटाए जाने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या क्या हैं? ठीक है भाई, तो इसने क्या क्या पूछा है? देखो इसे भी ऑप्शन से उठा लो कि हर किसी में एक जोड़ा तो 3 और 4 आना चाहिए। तो अगर मैं 12 और 16 करूँगा तो 3 और 4 देखो आ सकता है, क्यों? क्योंकि 12 और 16 में 4 3 12, 4 4 16, ठीक है 3 4 आ गया। लेकिन 5 घटाने पर भी 7 10 आना चाहिए। तो देखो अगर 5 घटाएंगे ना, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 15 में से 5 घटाएंगे 6 10, तो ये 7 10 नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम सबको चेक करेंगे, 26 और 35 को भी। पहले तो एक एक जोड़ लो, तो 27 और 36 हो गया, तो इनका तो 3 और 4 आ गया, 27 9 36। लेकिन 5 घटाने के बाद 21 और 30, ठीक है, तो 3 7 21 और 3 आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन से भी करने चाहिए भाई। नेक्स्ट देखो, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में कर सकती हैं, 3 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ कार्य करने में कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो 5 पुरुष तो कह सकते हैं कि 5 पुरुष, पुरुष का मतलब मैन, और 9 वुमेन, ये 19 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है, ये या है 9 महिलाएं, ठीक है, ये या 9 महिलाएं हैं, 5M = 9W। तो यहाँ से M/W की जो आ जाएगी रेशियो, वो आ जाएगा अपने पास 5M, हाँ 9/5। अब हमसे पूछा है 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ कर रहे को कितने दिन में कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, टोटल वर्क कितना है, तो इनका 19 दिन का काम है, या तो 5 मैन का, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5 × 9 × 19, ये टोटल काम हो जाएगा। और इसे हमें कराना किससे है, तो अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, 3 पुरुष और 6 महिलाओं से। तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे भाई, 3 × 9 = 27, और 6 महिला 6 × 5 = 30, तो 27 और 30 कितना हो जाएगा, 57, और 19 × 3 = 57, 3 × 9 = 15, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप एक टंकी को 20-30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, कर लेना अपने आप। नेक्स्ट देखिए, 132 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राम को 6 घंटे में पार करती है, तो क्या है, ये भी कर लेना भाई, क्योंकि जब खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है, और 6 सेकंड में, ठीक है, तो ये तो आ जाएगी इसकी मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर लेना आप, 6 × 3 = 18, और ये काट लेना, ये आ जाएगा 79.2। नेक्स्ट देखिए, किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या इतनी है, 5 सेकंड में 10 बार घूमता है, तो वाहन की चाल क्या है? अब देखो भाई, जब 5 सेकंड में 10 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, 2 बार। अब हम ये पता लगाते हैं कि प्रति सेकंड वो कितनी दूरी तय करता है, भाई मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, उसके बाद उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कर देंगे। तो अब हमें इतना पता चला कि ये 1 सेकंड में 2 बार घूमेगा, और 1 बार घूमने में अपनी परिधि के बराबर तय करता है, तो 2 बार घूमने में अपनी परिधि का दोगुना तय करेगा, तो 2 गुणा। अब परिधि देखो, 7 वाले की जो परिधि होती है वो 44 होती है, तो जब 7 वाले की 44 होती है, तो 70 वाले की कितनी हो जाएगी, 440, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 440, ये आ जाएगी प्रति सेकंड उसकी दूरी। अब प्रति सेकंड ये है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते रहना, आ जाएगा यही। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है सबसे छोटी भुजा। तो देखो ये रेशियो जो दे रखा है, 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है, 1200 गुणा करके इनका रेशियो हो जाएगा, और परिमाप, तो परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर रख के वहाँ से आप निकाल लेना। नेक्स्ट देखिए, कितनी वीडियो की लेंथ, भाई 33 हो गई। चलिए देखिए, किसी आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना है, और निहित पानी आयतन इतना है, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। तो कुछ नहीं भाई, देखो आयतन दे रखा है इसका, और आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है, इसी चीज को कहते हैं हम आयतन। और यहां दे रखा है 2.6, अब ये घन मीटर है, और इधर सीएम स्क्वायर में दे रखा है। तो आप एक चीज करना कि जब एच को सीएम, मतलब इस एच को भी हम सेंटीमीटर में ही मान लेंगे, या मीटर में, चलिए मीटर में मानते हैं, क्योंकि इसका जो मीटर में पूछा गया है,
तो ये जो सी एम स्क्वायर है इसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सी एम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम दो बार सौ सौ से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ से ये काट देंगे, ये दो जीरो कट जाएंगे, सौ उधर पहुँच के 2600 और 65 ये आप कर लेना, ठीक है, चार मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो कम्प्लीमेंट्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का योग कितना, 90 डिग्री। देखो ऐसा ही सवाल था अपना जो 6 अगस्त के पेपर में आया था, उसमें इंग्लिश में सप्लीमेंट्री दे रखा था और हिंदी में कम्प्लीमेंट्री, तो हमेशा इंग्लिश को वरीयता दी जाती है। तो इंग्लिश में सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है और कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होता है। तो देखो, तो ये क्या दिया हुआ है, हाँ तो ये 90 डिग्री ही इसका आंसर होगा, यही पूछा है कि कितना सम होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों एंगल को जोड़कर 2x-20 है, 2x-20 है और x है, सबको जोड़कर हम रख देंगे 180 के बराबर, तो वहाँ से 44 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45 बराबर 1/2, ये पूछा है हमसे, ठीक है, ये क्या कि कितना आएगा। तो साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70, देखो जब भी 20 और 70 का योग 90 मिले तो इसकी वैल्यू 1 होती है, या ऐसे समझ लो साइन स्क्वायर 70 को हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 20 लिखेंगे, और कोस स्क्वायर 90 माइनस 20 का मतलब होता है वो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिखेंगे, इसका मतलब कोस स्क्वायर 20, और साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 1 आ जाएगा, और 1-1=0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है कि लेमिनार फ्लो में पाइप के केंद्र में अधिकतम वेग इसके औसत वेग का कितना होता है, तो इसके औसत वेग का दोगुना होता है भाई लेमिनार फ्लो में। नेक्स्ट देखिए, एक पत्थर को 49 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर फेंका गया, यह कितने समय में पृथ्वी पर लौटेगा। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, इसमें हम ऐसा निकाल लेंगे कि ये दे रखा है 49 मीटर ऊर्ध्वा, ये यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और पहले हम ये निकालते हैं कि ये कितनी हाइट है इसकी, तो वी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 0 होगा, ठीक है। अब एस बराबर क्या होता है अपना, अच्छा एक मिनट, जब ऊपर पहुँच जाएगा तो वी इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से लगाते हैं वी बराबर यू माइनस जी टी, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यू माइनस जी टी आ जाएगा। अब 0 बराबर 49 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा 9.8 टी, तो यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये टी आ जाएगी 5 सेकेंड, ठीक है, पहुँचने में ऊपर कितना टी आ जाएगा 5 सेकेंड। तो चाहे तो ऐसे ही इसका लगा सकते हैं कि 5 सेकेंड ऊपर जाने में तो 5 ही सेकेंड वो नीचे आने में लेगा, इस तरीके से 10 सेकेंड लेगा, या फिर दूसरा आप ऐसा लगा सकते हो, हमने टी की वैल्यू यहाँ से निकाली तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से इसे निकाल सकते हो कि भाई वी, अब वी जो है वो वी 0 होगा क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर भी एक मिनट, नहीं वी 0 नहीं होगा भाई, यू 0 होगा क्योंकि ऊपर से छोड़ रहे हैं, और वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2g और h। अब हमें यहाँ से h चाहिए, तो h निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा, दूसरा इक्वेशन लगेगा, ये t तो आ गया ना, ये t आ गया, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकाल के हम h की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक मिनट रुकना, देखो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारे पास t ऊपर पहुंचने वाला आ गया तो वहाँ से हम h निकाल के, या फिर छोड़ो इसी तरीके से इसका ऐसे अनुमान लगा लो कि जब 5 में ऊपर जाएगा तो 5 ही में वो नीचे आएगा, 10 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हालांकि किया तो ये मैंने भी गलत ही है क्योंकि मैंने भी उस टाइम अपने कॉमन सेंस से 8 सेकेंड लगाया था। चलिए देखिए, अब ये है कि आकाश में प्रक्षेप्य का पथ, तो ये परवलयकार होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा सदिश है, तो फिर से सदिश वाली आ गई, देखो नहीं अदिश है, ठीक है, सदिश तो इसमें 3 है, आवेग संवेग और बलागुण तीनों ही ये सदिश हैं, ये ऊर्जा अदिश है। नेक्स्ट देखो, ये क्या दे रखा है कि पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसका तार बनाया जाता है, तो ये कहलाता है भाई डक्टिलिटी, तन्यता। नेक्स्ट देखो, तोप धातु, तो भाई देखो तोप धातु को गन मेटल बोलते हैं, गन मेटल की क्या होती है, Ca-Tg, कॉपर टिंक, कॉपर टिन और जिंक, तो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समतापीय प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो समतापीय प्रक्रिया किसके द्वारा, तो देखो समान ताप पर पीवी इक्वल टू नियतांक, ठीक है, ये पीवी इक्वल टू एन, ये पढ़ा हुआ है वायल का नियम। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड की एंट्रोपी किस ओर
किस ओर प्रवृत्त होती है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। कोई पदार्थ हुक के नियम का पालन इलास्टिसिटी की सीमा के भीतर करता है, प्रत्यस्थता की सीमा के भीतर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एमीटर के संट का क्या कार्य होता है, तो ये धारा बाईपास करना है एमीटर के संट का कार्य। नेक्स्ट देखिए, अगला है मैगर। मैगर किस चीज़ को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है भाई अपना टेस्टिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन जांचने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कैथोड किरणों का वेग, तो ये प्रकाश के वेग से कम होता है, ठीक है। ये ऑप्शन पूछा है कि प्रकाश के वेग से ज़्यादा होता है, कम होता है या बराबर होता है, तो ये कम होता है। नेक्स्ट, कौन सी मात्राशि सदिश है, भाई फिर से ये सदिश राशि का सवाल आ गया। तो देखो सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता है तो सारी सदिश हैं। नेक्स्ट देखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है बेवर, ठीक है, बेवर। और जो चुंबकीय फ्लक्स का पूछा है ना, चुंबकीय क्षेत्र का पूछता, तो फाई बराबर बी ए होता है, बी बराबर फाई अपॉन ए, तो बेवर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, छोटी डीसी मशीन का चोक किसका बना होता है, तो ये सारे के सारे कास्ट आयरन हलवे लोहे के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्किन इफेक्ट ऑकर्स व्हेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एयर, ठीक है भाई, तो ये है अपना स्किन इफेक्ट तब होता है जब चालक निम्न पर धारा वहन करता है, तो ये उच्च आवृत्तियों पर जब धारा वहन होती है तभी हमारी स्किन को इफेक्ट होता है। एसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके अनुपात में होता है, तो देखो एसी परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो भाई ये एम्पियर पर आवर में नापा जाता है, ठीक है, एम्पियर आवर में नापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V अपॉन R होता है, V को आरंभिक मान से दोगुना बढ़ाने पर, R को आरंभिक मान से बदलकर दो बटे पाँच करने पर धारा के मान में किस गुणक में परिवर्तन होगा। देखो I इक्वल टू V अपॉन R, ये इसने बोला है कि I इक्वल टू V अपॉन R है। अब इसने बोला है कि V को दोगुना कर दिया तो 2V हो गया, और R को 2/5 गुना, तो जब R को 2/5 करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 2/5 और ये R हो जाएगा, 2 से 2 कट के 5V अपॉन R, तो ये I बराबर जो हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी V अपॉन R की, ठीक है, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्नियर का सबसे छोटा खंड इसके प्राइमरी स्केल के सबसे छोटे खंड से बड़ा है, तो इसे बोलते हैं फिर हम रेट्रोग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, तालाब का स्थिर जल पृष्ठ का क्या निरूपित करता है, तालाब का जो स्थिर जल पृष्ठ है वह क्या निरूपित करता है, तो वह निरूपित करता है गोलाकार, नहीं समतल पृष्ठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सबसे बड़ा है, तो भाई देखो सबसे बड़ा पैमाना तो 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर, ये सबसे बड़ा पैमाना है, ठीक है, ये किलोमीटर वाला नहीं है, ये मीटर वाला पैमाना है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु, ये आप पढ़ते हुए आयो पहले से। नेक्स्ट, किस धातु की कार्य क्षमता, किस चक्र की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो कार्नोट चक्र की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस आधार पर कार्य करता है, तो रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो कार्य करता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऊष्मा गति के दूसरे नियम पर ये करता है। उसके बाद किस प्रक्रिया द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, भाई तो संलयन होती है। नेक्स्ट देखिए, यह कैंटिलीवर एक ऐसा बीम होता है जिसका, तो इसका एक सिरा स्थिर और दूसरा मुक्त होता है, ठीक है, ये वाला होता है कैंटिलीवर, ये इस तरीके से एक तरफ स्थिर होगा और एक तरफ का खुला हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही प्रणाली में बल आघूर्ण का मात्रक, तो ये न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण तो बराबर एफ इंटू आर होता है ना भाई, एफ इंटू आर, तो न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है मित्रों, तो ये अपना जो है पूरे का पूरा आंसर की ये मैंने डिस्कस कर दी है, और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें ज़्यादातर बहुत कुछ हल्का था, ठीक है, बहुत आसान इजी पेपर था। तो चलिए धन्यवाद मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।